और आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की मीटिंग में बवाल हो गया। एक कार्यकर्ता ने एसपी विधायक को बोलने से रोका तो कार्यकर्ता के विरोध के बाद में एसपी विधायक नफीस अहमद भड़क उठे। विधायक नफीस अहमद ने आरोप लगाया कि मुसलमान हुए इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा। विधायक के आरोप का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आजमगढ़ से संवाददाता जुड़ गए हैं अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसको लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, क्या हुआ था उस वक्त, किस दौरान का ये वीडियो है? जी यकीनन आपको बताना चाहेंगे, मौका था संविधान मान स्तंभ का, जहां पर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव और लालगंज के सांसद दरोगा सरोज यादव के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम होना था। जिले के समस्त नेता और कार्यकर्ता भी नेहरू हॉल में मौजूद थे और एक एक करके सभी विधायक और बड़े नेता अपनी बातों को रख रहे थे। इसी दौरान मौका आता है सपा विधायक गोपालपुर के नफीस अहमद का बोलने का। बोल ही रमियान यादव का विरोध करता है और साफ तौर पे कहता है कि विधायक जी, हम आपको सुनने नहीं आए, अपनी बातों को बंद करते हो, भड़क जाते हैं। इस दौरान अपने समर्थकों को शांत कराने के लिए, समझाने के लिए नफीस यादव वहां खड़े होते हैं और इसी दौरान उन्होंने एक शब्द बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए क्या हमें बोलने से रोका जा रहा, जिसके बाद बात और बढ़ जाती है। और इस दौरान जो वीडियो युवक बना रहा होता है, उस अराजक तत्व के लोग उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, बात वहां बढ़ जाता है। उसके बाद वहां खुद सांसद धर्मेंद्र यादव हस्तक्षेप करते हैं, विधायक नफीस अहमद भी लोगों को समझाते हैं, उसके बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक विधायक को बोलने से रोका जाता है और वहां बवाल खड़ा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे जो पार्टी के अंदर खाने के विवाद होते हैं वो बाहर आज देखने को मिले हैं वायरल वीडियो के आधार पर। ठीक है अभिषेक, एक बार पूरा वीडियो सुन लेते हैं और साथ ही देख लेते हैं कि कार्यक्रम के दौरान में आखिर गहमा गहमी हुई क्यों थी। आप एक मुसलमान ही नहीं बोलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। लेकिन अभिषेक, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है, देखकर लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इसके बाद में क्या पार्टी की तरफ से कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है? क्या बाकी नेताओं की कोई रिएक्शन इस पूरे मामले में? यकीनन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले पीडीए का नारा दिया था, उसका भरपूर उनको फायदा भी देखने को मिला था। और जिस तरीके से लगातार पीडीए की बात करते हैं, एक विधायक को बोलने से रोका जाता है, विधायक खुद कहने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अल्पसंख्यक हूं, क्या इसलिए मुझे रोकने बोलने से रोका जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा है वो ये वायरल वीडियो उस नारे को पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उसके बाद नफीस अहमद खुद आते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं और लोगों को बताते हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं, हल्का सा मामूली सा जो है कहासुनी हुआ था, जिसके बाद मामला शांत कर लिया गया। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल करने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से बंद कमरे में ये बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, कहीं ना कहीं जो आजमगढ़ में काफी समय से गुटबाजी चल रहा था और संगठन के बदलने की बात चल रही थी, तो आज वो ये वायरल वीडियो स्पष्ट कर देता है कि आजमगढ़ संगठन जो है पूरी तरीके से सपा की चरमरा चुकी है और उसका गुटबाजी अब इस वीडियो के माध्यम से वायरल आ रहा है। लेकिन अभिषेक, विधायक की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि नाराजगी काफी पुरानी है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये वीडियो और सुन लेते हैं क्या कुछ कहना था समाजवादी पार्टी के विधायक का। मुसलमान नहीं बोलेगा,
इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ था, जिस पीडीए का जिक्र समाजवादी पार्टी करती है और चुनाव जीतती भी रही है, आज वही अल्पसंख्यक नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि मुसलमान हूं इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, नोएडा की बात करते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी सीसीटीवी के आधार पर की गई है। दरअसल महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि जब वो सेक्टर 18 में कैब का इंतजार कर रही थी तभी लड़कों ने आकर उस पर भद्दे भद्दे कमेंट किए थे। इस बात का जिक्र महिला पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया था, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ गए। हिमांशु, इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा हुई, अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था आज सुबह ही, और अब दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ट्वीट किया गया था और ट्वीट करने के बाद इस पर राजनीति जमकर हुई और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और सवालिया निशान खड़े किए गए थे महिला सुरक्षा को देखते हुए। हालांकि जब ये पीड़िता की तरफ से शिकायत की गई थी उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था, टीमों का गठन किया गया था और साथ ही सीसीटीवी खंगालने के लिए एक अलग टीम का गठन किया था जो लगातार सर्विलांस का काम कर रही थी। दरअसल में समस्या चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि जब आरोपियों को पकड़ना था या गिरफ्तार करना था उस दौरान जब सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे तो चुनौती ये थी कि जो नंबर प्लेट थी गाड़ी की वो बहुत क्लियर नहीं थी, लिहाजा करीब 50 से ज्यादा कैमरे चेक किए गए और इस दौरान जब नंबर ट्रेस आउट हुआ तो देर रात इनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों की पहचान हो गई है, रिश्वत और एक व्यक्ति अन्य है जिसकी पहचान हो गई है और पुलिस ने अब गिरफ्तार करके जेल किया, मुकदमा भी दर्ज किया है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका।